फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूम मशीनरी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको मिलर चलाना सिखाएंगे और मिलर में कंक्रीट कैसे लोड होता है और कैसे अनलोडिंग करते हैं और कैसे ऑपरेट इसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी आप लोगों को देंगे। हवा मीटर है, ये बैटरी के बताता है कि मेरा बैटरी चार्ज दे रहा है कि नहीं। 500 लीटर का टंकी है और मेरा थोड़ा पुराना गाड़ी है इसलिए इसका मीटर टूट गया। इसमें घंटा की कितने घंटे मेरा गाड़ी चला वो भी बताएगा। यहाँ पर स्टार्ट मार दीजिएगा, इसे स्टार्ट राइट साइड घुमाइएगा तो माल लोड होगा। तो न्यूट्रल जो माल आपको फेंकना होगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूँ, किसी भी मिलर में दो इंजन होता है, एक मेन इंजन जिससे ट्रेवल किया जाता है, दूसरा हंडी के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ऑपरेटर से मिलते हैं। दोस्तों ये केबिन है अशोक लेलैंड का। तो देखिए हमारे ड्राइवर साहब है तो ये बताएंगे कुछ। चलो शुरू करें। हम लेलैंड गाड़ी के ड्राइवर हैं सर, आए हैं चेक इन के लिए। हमने पहले मोबिल नापा, उसके बाद पानी नापा, स्टेरिंग पर चढ़े। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कम से कम 2 मिनट छोड़ा जाता है, गाड़ी अपने हवा तवा बन जाता है, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब गाड़ी बढ़ाने से पहले आपको आगे पीछे सब देख लेना चाहिए, कोई जानवर उन्होंने नहीं बैठा है, उसके बाद कृपया आप गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट हो गया है, ये न्यूट्रल है। गाड़ी कभी भी स्टार्ट करें न्यूट्रल करके स्टार्ट किया जाता है। ये आपका एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। गाड़ी स्टार्ट हो गया न्यूट्रल। ये आपका किलोमीटर है, ये आपका रेशियो बताता है कि आपका एक्सीलेटर कितना पर है। ये तेल वाला मीटर है, आप ध्यान रखें कि तेल मेरा है कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तेल है कि नहीं है। उसका बाद हवा पर ध्यान दीजिए, हवा नहीं रहने से आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये आपका दोनों हवा मीटर है, ये बैटरी के बताता है कि मेरा बैटरी चार्ज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। शुरू करें। ये मेरा पीछे इंजन का मीटर लगा हुआ है, ये चाबी मारने से स्टार्ट होगा। इस पर आपका शो करेगा मीटर, क घंटा चला है, क पॉइंट चला है, इसमें आपका घंटा बताएगा। मीटर मत क घंटा चला है, इसमें घंटा की कितने घंटे मेरा गाड़ी चला वो भी बताएगा। यहाँ पर स्टार्ट मार दीजिएगा, इससे स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर दो गियर दिया जाता है, इसका राइट नीचे वहाँ दबिएगा तो माल आपका लोडिंग होगा। एक छोटा सा जो दिया है ये एक्सीलेटर बोला जाता है, इसका एक्सीलेटर इसका पिक का राइट साइड घुमाइएगा तो माल लोड होगा। तो न्यूट्रल जो माल आपको फेंकना होगा तो इधर ऊपर में चलिएगा तो आपको माल फेंकने से जब बोलेगा माल रोकने के लिए इसको न्यूट्रल पर कर दीजिएगा तो माल रुक जाएगा। प्लस ध्यान देना होगा ये ऊपर जो वाटर है आपका माल टाइट हो गया, माल टाइट हो गया बोलेगा कोई 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर, तो आप इसे सीधा करने से ये पानी आपका हंडी के अंदर जा सकता है। इसको ध्यान रहे पानी बेसी ना जाए। उसका बाद आपका सूट अगर जाम होता है नीचे में पानी मारना है तो आपको एक स्पेशल एक तो पाइप दिया गया है, इसका भी यहाँ लगा हुआ है, इसको खोलिएगा तो ये आप नीचे की तरफ पानी आएगा, ये इसमें सिस्टम दिया गया है। अब हमने लोड करेंगे, आपको लोड के बताएंगे कैसा लोड होता है। प्लान में हम गाड़ी ले चल रहे हैं, आप लोग देखिए। ये देखिए एक टंकी में पानी हम भर रहे हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी एक फेल दिया हुआ है। इस तरह पाइप घुसा दीजिए, इस तरह पाइप घुसा करके ये भेल ऑन कर देना है, ये इसका सीधा में कर देना है। उसका बाद यहाँ पर मेरा मोटर लगा हुआ है, इसको अच्छे से आप खोल दीजिए, ऑलरेडी पानी टंकी में जा रहा है। ये देखिए 500 लीटर का टंकी है
वो मेरा थोड़ा पुराना गाड़ी है, इसलिए इसका मीटर टूट गया है, इसमें मीटर लगा रहता है। ये जो आपको दिया है उसमें मीटर लगा रहता है, आपको मीटर बाय मीटर बताता है कितना लीटर पानी है। ये हंडी मेरा 7 टेम्पू का हंडी है, बाकी आर एम सी में चलता है रोड में तो 7 टेम्पू लोड होता है। मैनुअल जो हम लोग प्लान में चलाते हैं 6 टेम्पू से ज़्यादा लोड नहीं करते रोड के खराब होने के कारण। ये दोस्तों आप देखिए हमारा मिलर जो है बेचिंग प्लांट में जा रहा है लोडिंग लेने के लिए। देखिए बेचिंग प्लांट हमारा शुरू हो गया। गाड़ी लोड हो चुका है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी न्यूट्रल है, मेरा इंजन स्टार्ट हो गया है। अब मैं देख लेंगे कि हवा है कि नहीं है, उसके बाद हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। मेरा ऑलरेडी 6.6 पॉइंट हवा चला गया है। ये दोनों हवा मीटर है, मेरा ऑलरेडी हवा बन चुका है। गियर लगाएंगे, एक नंबर गियर लगा दिए, इसका ये हैंड ब्रेक है, गियर लगा चुके हैं एक नंबर, हैंड ब्रेक के गिरा दिए हैं। अब मैं गाड़ी साइड में ले चलते हैं, कैसे खाली होगा आप लोगों को आगे हम बताते हैं। Да.